जय माता दी। नमस्कार आप सभी पर। ईश्वर कृपा करें, शुभ हो, मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद हो तो कहते हैं कि दुख, अशांति, कष्ट इत्यादि सभी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में खुशियाँ अपने आप आती हैं। तो अगर आप भी पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पितृपक्ष लग रहा है। आप कैसे जाने कि पितृदोष आपके जीवन में है? जैसे कि दोस्तों, आपके भोजन में बार बार बाल खाना या आपके घर में किसी एक व्यक्ति का हमेशा ही बीमार रहना, कोई ना कोई बीमार ही रहता है अधिक, और साथ ही साथ में अगर आपके घर में पैसा धन नहीं रुकता, क्लेश, लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी को संतान नहीं हो रही, इत्यादि रूपों में अगर परेशानियां हैं तो दोस्तों ज़रूर मानिए कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं और इनका दंश आपको झेलना पड़ेगा। तो अगर आप पितृदोष से बचना चाहते हैं तो आप कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पिंडदान करिए, तर्पण करिए, तिल और तिल जरूर डालिए, जहाँ पे आप श्राद्ध करें, भोजन रखें वहाँ थोड़ा तिल बिखेर दें, जिससे वहाँ बुरी आत्माएं ना आने पाएँ, आप पितृदोष से बच पाएँ, पितरों का अपमान ना करें, किसी की हत्या ना हो। नीम, पीपल और पेड़ आदि अगर आप कटवा दिए हैं तो भी पितृदोष लग जाता है। पितृदोष अगर है तो आप ज़रूर श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें, त्रिपंडी साध्र करें और पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल थोड़ा सा डाल लीजिए और जल में गंगा जल डालिए, तिल डालिए, दूध डालिए, अक्षत डालिए, फूल फिर बाद में अर्पित कर दिए, ये सारी चीज़ें जल में डालकर समर्पित कर दीजिए, फिर फूल और काला तिल जरूर डालिए। इसके साथ साथ पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं, गंगा जल का छिड़काव कर दें ड्योढ़ी पे जहाँ मुख्य द्वार है, इससे पितृदोष समाप्त होता है। और पहली रोटी गाय को गुड़ इत्यादि मीठा रख करके दें, कुत्ते को आखिरी रोटी, कौवे को, चींटियों को, किसी ब्राह्मण को देने से भी पितृदोष समाप्त होता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, गरीब को तथा कन्या की विवाह में मदद करने से भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं रोजाना, उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें, उनको भी याद करें क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया, उन्होंने आपको शरीर दिया तो उनके लिए भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। जीवित ही तो माता पिता और अपने पूर्वजों की सेवा करनी ही चाहिए, जो भी हमारे अपने बड़े जन हैं, लेकिन उनके पश्चात भी ऐसा करना शुभ माना जाता है और पितृदोष समाप्त होता है तो बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध प्रारंभ होता है और ये सर्वपितृ अमावस्या तक रहता है। तो 25 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है और उसके बाद जो है नवरात्रि 26 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। आपके द्वार पर इन दिनों में कोई आए तो ज़रूर ही आप उसे अब खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ दे करके लौटाएं, इन दिनों में विशेष इसका फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी से आशा उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन पर प्रेस करिए। नमस्कार।